रुद्रप्रयाग के गुलाबराय मैदान में जिला प्रशासन और वीर नारी शक्ति फाउंडेशन के सहयोग से युवक युवतियों के लिए सेना में भर्ती से पहले प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया। शिविर की शुरुआत जिलाधिकारी मनोज गोयल ने सेना के अधिकारियों के साथ दौड़ लगाकर की। बता दें कि वीर नारी शक्ति फाउंडेशन जिले के गुलाबराय मैदान में जिले के युवाओं के लिए रजिस्ट्रेशन के साथ दौड़, मेडिकल, फिजिकल और लिखित परीक्षा कराई जाएगी। साथ ही पात्र युवाओं के लिए लगातार प्रशिक्षण दिया जाता रहेगा। इस दौरान आने वाली भर्तियों की जानकारियां भी उन्हें दी जाएगी। शिविर का शुभारंभ करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि यह एक सुंदर प्रयास है, इस प्रशिक्षण का युवाओं को फायदा मिलेगा। वहीं युवाओं में भी काफी जोश दिखाई दिया और युवक युवतियों ने बड़ी संख्या में शिविर में भाग लिया। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। लोग जो है एकत्र हुए हैं, हमारे युवा एकत्र हुए हैं, तो एक प्रयास है वीर नारी शक्ति फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेट करते हुए कि युवाओं को जो है आर्मी भर्ती का प्रशिक्षण दिया जाए, उनको बताया जाए किस प्रकार से जो है वो इसमें बेहतर कर सकते हैं और उनकी एक तैयारी हो जाए, उनको पता लग जाए कि बाकी लोगों के मुकाबले उनकी क्या स्टैंडिंग है, और जिससे कि जब वो अपना आर्मी भर्ती के कैंप में जाए तो वहाँ पर वो सफलता को जो है प्राप्त कर सकें। तो इस प्रकार का एक प्रशिक्षण का ये प्रयास है और मेरी सबको शुभकामनाएं हैं जो ये लोग करवा रहे हैं, सारे डिपार्टमेंट्स और जो NGO है, कि अच्छा कार्यक्रम में करवा पाएं, और जितने भी युवा यहाँ पे आए हैं उनको भी शुभकामनाएं मैं देना चाहूँगा कि वो जब भर्ती के लिए जाएंगे तो वो सफल होकर वापस आए। मैं रुद्रप्रयाग के कोटगी गाँव से हूँ और यहाँ पर मैं प्रशिक्षण के लिए आया हूँ और ये कैंप एक हफ्ते का लगेगा और जिसमें मैं आज ट्रायल के लिए आया हूँ। मुझे आशा है कि मेरा यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा और मेरी पहली चॉइस है कि आर्मी, और जिसने भी यह कैंप स्टार्ट किया है ये कैंप बहुत ज़रूरी है हमारे पहाड़ों में कि आर्मी की जानकारी के लिए कि आर्मी ने ये कार्यक्रम लगाया तो इससे खुश हैं आप? हाँ, बहुत खुश हूँ मैं जिस सरकार ने भी यह कार्यक्रम स्टार्ट किया, क्योंकि हमारे पहाड़ों में रनिंग तो हर कोई कर लेता है बट उसके मेडिकल फिजिकल के बारे में कुछ पता नहीं रहता है कि मैं क्या करूँ फिजिकल में, इसलिए हर कोई फिजिकल रनिंग तो हर कोई पास कर लेता है लेकिन फिजिकल में पीछे छोड़ जाते हैं। मेरा नाम मनीषा रावत है, मैं चकोली ब्लॉक से आई हूँ। यहाँ पे सरकार ने कैंप लगा रखा है, मैं बहुत खुश हूँ इस कैंप से क्योंकि मुझे यहाँ पे मौका मिला है। पहले यहाँ पे हमारा मेडिकल होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर रिटर्न होगा।